अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो के दौरान सोदर भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, तो इसमें आपको तीन सीन दिखा दिए हैं। दरअसल साल 2020 में जब कोविड नया नया आया था, आपने देखा कि जो मताफ है यानी कि काबे के आसपास का एरिया है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। फिर देखिए कि साल 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आ गई, तब का नजारा कैसा है, यानी वो बेहतर है साल 2020 से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी लंबे टाइम के बाद तीसरे साल में देखिए साल 2022 में माशाल्लाह से कितनी ज्यादा रौनक है और नजारा बिल्कुल अजीब है, खुशनुमा है। तो फुल स्क्रीन पर आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। दूसरी अपडेट आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से निकलकर। जी हां, हुरूप के हवाले से अपडेट आ रही है। हुरूप को लेकर कुछ नए बदलाव किए गए हैं, यानी नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जो कि अगर हम इसको गहराई से समझे तो कुछ नए ऑप्शन रखे गए हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। वो ज्यादातर कफील या फिर कंपनियों के लिए है। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके बता दूं कि जैसे पहले भी कफीले कंपनी अपने ऑनलाइन अकाउंट से हुरूप लगा सकते थे, अभी भी लगा सकते हैं, सिर्फ उसकी कंडीशन कुछ अलग है। अगर मिनिस्ट्री का ऑफिस जाना हो, दफ्तर जाना हो, जवाजात जाना हो, तो उसकी कंडीशन ये है कि अगर वर्क एग्रीमेंट खत्म हो गया बंदे का, या इनकेस इकामा एक्सपायर है, जैसे कफील के पास काम करता है डोमेस्टिक वर्कर है, इकामा एक्सपायर है, बंदा भाग गया है, तो उस केस में मिनिस्ट्री के ऑफिस जाया जा सकता है, अदरवाइज तो ऑनलाइन ही काम होगा। और इसमें एक नई अपडेट ये मिल रही है कि पहले 15 दिन का टाइम होता था हुरूप काटने के लिए, यानी अगर कोई कफील गलती से हुरूप लगा देता है या फिर कफील में और बंदे में झगड़ा हो जाता है और हुरूप कफील या कंपनी गुस्से में लगा देती थी, तो 15 दिनों का टाइम होता था। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसके मुताबिक 20 दिनों का टाइम मिल रहा है हुरूप हटाने के लिए। लेकिन 20 दिन अगर गुजर जाते हैं तो फिर काफी मुश्किल मरहला होता है, कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही हुरूप हटता है। तो अपडेट निकल कर आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हिंदी में इसको हम निवेश मंत्रालय बोल सकते हैं, जिसका काम होता है कि बाहर देशों से लोगों को सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करना। तो अब यहाँ पे आपको बता दें कि एक नया बदलाव कानून के अंदर किया जा रहा है, हालांकि अभी मसौदा तैयार हुआ है, 90 दिन इस कानून को अमल में आने में लगेंगे। फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया ली जा रही है। अब सऊदी अरब के किसी भी शहर में, यानी कि नए कानून के मुताबिक मक्का मुकर्रमा हो या मदीना मुनव्वरा हो या फिर कोई भी शहर सऊदी अरब का हो, कहीं भी गैर मुल्की जमीन खरीद सकेंगे, कारोबार अपना कर सकेंगे। यहाँ आपको बता दें कि जो सऊदी अरब के अंदर अजनबी रहते हैं वो भी जमीन खरीद सकते हैं, जो सऊदी अरब के अंदर नहीं भी रहता वो भी जमीन खरीद सकेंगे, जीसीसी कंट्री यानी कि जो अरब देश है उसके रहने वाले भी जमीन खरीद सकते हैं, और सऊदी सिटीजन तो पहले से ही खरीद ही रहे हैं। तो अपडेट निकल कर आ रही है सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस का काम होता है पूरी तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ऐसे में एक खारजी वर्कर यानी एक अजनबी की तरफ से सवाल ये किया गया कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो ऐसे में क्या करना होगा। तो देखिए, गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस उसको रिकवर कराने में कितनी मदद करती है, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कार रिकवर हो जाए, मिल भी जाए या ना मिले, लेकिन उस कार से जिम्मेदारी आपकी कैसे हटे, अहम बात यह है। तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक करना यह होगा कि जिस इलाके में कार चोरी हुई है उसी इलाके के थाने में जाना होगा, किसी दूसरे इलाके में कंप्लेन नहीं हो सकती, उसी इलाके में जाकर एफआईआर करनी है। और एफआईआर कराने के लिए जो भी आपके पास कागज कार से संबंधित हो वो वहां पर सबमिट करने होंगे ताकि रिपोर्ट बनाई जा सके। इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि अगर पुलिस स्टेशन दूर हो तो फिर 999 नंबर पर कॉल करके पुलिस को जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन दे दे। और यहाँ ट्रैफिक पुलिस का यह भी कहना है कि कंप्लेन दर्ज कराने के लिए जो गाड़ी का मालिक है यानी जिसके नाम पर इस्तेमाल है, आरसी जिसके नाम पर है, वो ही कंप्लेन करा सकता है, या फिर अगर कोई और कराना चाहे तो उसके नाम पर अथॉरिटी लेटर होना चाहिए और तभी कंप्लेन होगी, वरना तो किसी और की कंप्लेन इस तरह से कबूल नहीं की जाएगी। तो बात करेंगे आज की सऊदी अरब की कोविड-19 की रिपोर्ट की। हालांकि अभी थोड़ी सी स्थिति उलटने लगी है और इंडिया के साथ साथ बाकी देशों से भी
फिर से बुरी खबरें कोविड के हवाले से आनी शुरू हो गई है। चौथी लहर का खतरा हमारे सर पर है, अभी पता नहीं आगे क्या होगा या फिर ये तीसरी लहर की तरह ही निकल जाएगी तो बेहतर होगा। तो चलिए आज की रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे। 143 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, 240 आज नई रिकवरी है और 3 नई मौत आज रिकॉर्ड पर आई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो ये इस रिपोर्ट तक 4240 है। क्रिटिकल केस की बात करें तो आज की रिपोर्ट के मुताबिक ये 56 है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो आखिरी अपडेट आपसे शेयर करेंगे आज के इस न्यूज बुलेटिन के दौरान। जैसे कि रमजान का महीना है और सऊदी दिल खोलकर खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, आपने अपने आसपास भी देख लिया होगा जिस तरह इफ्तार वगैरह का इंतजाम किया जाता है। अब यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक चैरिटी फंड बनाया गया था, जैसे कि आपने इंडिया में सुना होगा कोरोना के टाइम पीएम केयर फंड बना, हालांकि बाद में उसका क्या हुआ वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर एक चैरिटी फंड बनाया गया यानी कि गरीबों की मदद करने के लिए, वो इंस्टेंट मदद करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर मदद की जाती रहती है साल भर। तो आपको हैरानी होगी ये जानकर के जो टारगेट था, यानी कि दो तरह के फंड बनाए गए, एक तो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से फंड बनाया गया जिसका टारगेट रखा गया था 30 मिलियन रियाल, यानी कि 30 मिलियन रियाल इसके अंदर जमा हो जाए तो ये टारगेट था। दूसरा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बनाया गया फंड जिसका टारगेट रखा गया 20 मिलियन रियाल, यानी कि कुल मिलाकर ये 50 मिलियन रियाल बच जाते हैं और रमजान भर के महीने का इसका टारगेट था। लेकिन आपको बता दें कि जब ये फंड लॉन्च हुआ उसके 9 दिन ही हुए हैं और लोगों ने जिस बड़ी तादाद में इसके अंदर पैसा जमा किया है आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि 1.8 बिलियन रियाल इसके अंदर जमा हो चुकी है स्कीम लॉन्च होने से 90 दिन तक। अब थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही होगी, 1.8 बिलियन का मतलब यह हुआ कि एक तरफ तो डिमांड थी कि 50 मिलियन रियाल इकट्ठे हो जाए दोनों फंड से, लेकिन 1 बिलियन का मतलब यह हुआ कि 1000 मिलियन प्लस 0.8 यानी कि 1800 मिलियन रियाल जमा हो चुके हैं इस फंड में। तो देख सकते हैं कि रमजान के दौरान सऊदियों का दिल कितना बड़ा खासकर हो जाता है, या रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, जो उसकी कीमत समझता है वो इसकी कदर करता है, वरना तो लोग बेजरूरत के ही रोजे छोड़ते हैं, तरावी नहीं पढ़ते वगैरह वगैरह। बहरहाल वीडियो के बारे में आपकी कीमती राय दीजिए कि इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और वीडियो जो गैप से इन दिनों चल रही, थोड़ा सा रमजान को लेकर मुश्किल हो रही है टाइम टेबल में, बहरहाल कोशिश रहेगी आगे से वीडियो कंटिन्यू भेजने की। कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दें। मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।